नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सरकार के द्वारा पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए परमल धान की बिजाई करने वाले किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का तोहफा दिया गया है। वहीं परमल धान की बिजाई करने वाले जिन किसानों ने पराली में आग नहीं लगाई और कृषि यंत्रों की सहायता से पराली प्रबंधन किया है, उन किसानों को 1000 रुपये प्रति क्विंटल आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बलवंत सहारन ने बताया कि परमल धान की बिजाई करने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस देने का फैसला लिया गया है। वहीं जिन किसानों ने कृषि यंत्रों से प्रणाली का प्रबंधन किया है, उन किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को यह लाभ मिलेगा। किसानों को कृषि यंत्रों का पराली प्रबंधन के लिए किराया ना देना पड़े, इसलिए यह योजना लाई गई है। बलवंत सहारन ने बताया कि 1 एकड़ में करीब 30 क्विंटल के करीब परमल धान निकलता है। पराली प्रबंधन के लिए किसान को 4000 रुपये का खर्चा पड़ता है, इसलिए सरकार ने परमल धान पर बोनस और 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है ताकि पराली प्रबंधन का खर्चा किसान पर ना पड़े, इसलिए यह योजना लागू की गई है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। जैसा कि आज मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सभी उपायुक्त साहिबान की और अन्य स्टाफ की जो जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली गई, उनमें सरकार के दिशा निर्देश जो कल सायं हमें प्राप्त हो चुके थे, जिसमें लघु एवं सीमांत किसान यानी कि 5 एकड़ तक के जितने भी किसान जिले में हैं, जिन्होंने 6/11 से लेकर के आज तक पराली नहीं जलाई और परमल धान उगाया था, वह ये उनकी पैदावार धान की हुई, उसको विभिन्न मंडियों में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत उन्होंने मंडियों में बेचा है। उन सभी किसानों को जो है वेरिफिकेशन करते हुए हमें 100 रुपया प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को दिया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसके तहत सभी गांव में माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा सरकार के दिशा निर्देशानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो कि गाँव के नंबरदार के साथ लग करके सभी इस प्रकार के जो लघु एवं सीमांत किसान हैं जिन्होंने अपनी फसल परमल धान नॉन बासमती जिसे हम कहते हैं उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत बिक्री किया है, उनको चिन्हित करके उनको यह लाभ 100 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी है कि जिस किसान ने धान न जला करके उसका इन सीटू अथवा एक्स सीटू मैनेजमेंट किसी भी प्रकार से किया है, उसमें 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो मशीन वाला यदि बेलर वाला है या CSC जो गांव में हमने बनाई हुई है उसको एक ऑपरेशनल चार्जेस के रूप में सरकार ने 1000 रुपये देना का फैसला किया है। तो उसने कोई भी धान उगाया हो नहीं, इसमें सिर्फ नॉन बासमती धान जो कि परमल धान जिसकी MSP है वो धान ही इसमें इंक्लूड किया गया अभी तक। इसका हमने जो है अपनी VC में हमारे उपायुक्त महोदय ने इसको सरकार के सामने रखा है और इस पर अभी विचाराधीन है, क्या कोई निर्णय आएगा वो आप लोगों को माध्यम से बता दिया जाएगा। ACS की भी नियुक्ति की है? हाँ, हमारे यहाँ जिले में जो है श्री देवेंद्र सिंह जी ACS इंडस्ट्री हैं, उनको यहाँ नोडल अफसर नियुक्त किया गया है, वो भी कल यहाँ जिले के दौरे पर आ रहे हैं तो इस पराली मैनेजमेंट फसल अवशेष प्रबंधन के देखने के लिए। बेलर भिजवाने की बात भी की गई है? हमारे जिले में 100 बेलर्स का टारगेट 40% सब्सिडी स्मैम स्कीम के तहत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें उन्होंने कल छाएं तक 40 प्रथम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 40 किसानों को परमिट जारी किए हैं, जिनमें से 9 किसानों को हमने कल तक मशीनें भी डिलीवर कर दी थी और वो अपने खेतों में काम लगी हुई है। 1000 रुपये पराली कौन को मिलेंगे जिन्होंने कृषि यंत्रों का प्रयोग करके पराली का? जी जी, जिन्होंने फसल अवशेष मैनेजमेंट किया है वो CSC के माध्यम से या किसी भी बेलर मशीन से, जो एक्सीटू हमने दी के लिए बेलर मशीनें दी हैं, उनको प्रोत्साहन राशि रूप में देंगे ताकि वो किसानों को किसानों से किराया ना लें और वो 1000 रुपये उनके खाते में जाएगा। तो ये 5 एकड़ वाली शर्त मान्य? हाँ, ये लघु एवं सीमांत किसान जो लगभग 69,882 हमारे पास एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत जो रजिस्टर्ड किसान है उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा।